आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाली ट्राई कलर बर्फी। आप भी इसे बनाइए और इंडिपेंडेंस डे के दिन खाइए। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्राई कलर रवा बर्फी। ट्राई कलर रवा बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बारीक रवा, 1 कटोरी शक्कर, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी घी, 2 चम्मच डेजर्ट कोकोनट, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच केसरी रंग का फूड कलर, 1 चम्मच हरा फूड कलर। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे और घी को अच्छा गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रवा डालेंगे और इसे हम 2-3 मिनट भून लेंगे। हमने रवे को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और शक्कर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। रवा हमारा अच्छी तरह से बन चुका है, अब हम इसमें से आधे से ज्यादा पार्ट निकाल देंगे। देखिए हमने आधे से ज्यादा रवा उसमें से निकाल दिया है। अब जो ये रवा कढ़ाई में है, हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें इसे मिलाना है। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम एक इस तरह का डब्बा लेंगे, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हो, और इसमें ऑरेंज कलर का रवा डालेंगे और इसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए मैंने ऑरेंज रवे को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम रखे हुए रवे में से आधा पार्ट लेंगे और इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम व्हाइट रवे को ऑरेंज रवे पर रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे और सब जगह फैला देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है, अब हम इसके ऊपर ग्रीन रवा रखेंगे और इसे भी प्रेस करके फैला देंगे। देखिए ये हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे
ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए हमने इसे फ्रीज में से निकाल दिया है, अब हम इसे पलट लेंगे ताकि बर्फ़ आसानी से निकल जाए और इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये निकल गई। देखिए तीनों कलर कितने अच्छे से आए हैं। अब हम इसे कट करेंगे। आपको जैसा शेप चाहिए आप वैसे शेप में कट कीजिए। देखिए हमने इसे कट किया है, अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।